कोरोना महामारी के चलदिया पंजाब सरकार ते जिला शहीद भगत सिंह नगर के डिप्टी कमिश्नर विनय बबलानी वालों करीब 40 दिन बाद करफ्यू में 94 दुकानदारों 7 तो 11 बजे तक राहत दी गई है। तो अज दुकानदारों वालों दुकाना खोलिया गई जिथों लोगों ने खरीदो फरोख्त भी की। कई दिन तो बाद दुकानदारों वालों दुकाना खोलन से खुशी के मूड में सरकारों का तह दिलों धन्यवाद किया। इस मौके इंस्पैक्टर सतनाम सिंह ने दसिया कि जिला प्रशासन वालों दी ढिल ध्यान रखते हुए सोशल डिस्टेंस के कानून अमल में लिया जा रहा है। इस मौके कार्यकारी मजिस्ट्रेट बंगा प्रिंसीपल अमरजीत सिंह ने दसिया कि उन्होंने वालों दुकाना की चैकिंग की जा रही है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी। NKNTV का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सानू इंटरव्यू देने का मौका दिता। सरकार अगे बेनती है भी ये जिहड़ा तुसी अज छोट दी आ सारयां नूं दुकाना खोलण दी, उहदे नाल जिन्ने भी दुकानदार वीर आ, एक तां दुकाना जदों खुल्लियां दुकाना दे अंदर बहुत बुरा हाल होया सीगा जी। जिन्हां दीआं लकड़ी दीआं फिटिंगां सीगियां जां होर किसे भी तरहां सी अंदर जानवर जिद्दां चूहे वगैरह जां घुम्मदे आ, उन्होंने इन्ना गंद पाया सीगा 2-3 घंटे तां उह दुकाना सफाई करने नूं लगे। और उस तों बाद जो सुविधा तुसी दित्ती आ सैनेटाइजर डिस्टेंस रखना जां होर कोई भी गाहक दी हिफाजत वास्ते, वह सारा दुकानदारां ने अपना समान इकट्ठा किया सी कि गाहक नूं कोई प्रॉब्लम ना आवे। और असीं धन्नवाद करदे आं तुहाडा कि तुसीं दुकानदारां नूं इह जिहड़ा मौका दित्ता। ते अज तां गाहक थोड़े नाम मात्र ही आए क्योंकि हुण कल नूं जिहड़े गाहकां ने जाके दसणा आ वी दुकानां खुल चुकियां आ तां आउणगे। असीं तुहाडा धन्नवाद करदे आं ते तुहाडे टाइम दी पालना करांगे, टाइम दे विच ही रह के असीं अपना काम करांगे। सो यही बेनती आ वी थोड़ा थोड़ा टाइम जिहड़ा उह सारे दुकानदारां नूं दित्ता जावे। और मेरी जिहड़ी आ बूट शॉप दी दुकान आ मकंदपुर, क्योंकि हर बंदे नूं अजकल लोड़ आ, अजकल वाढ़ी चलदी आ, हरेक मजदूर नूं चप्पल दी लोड़ आ, खेतां दे विच जांदा रोड़े बट्टे खुभदे आ, इस करके सारियां दुकानदारां जिहड़ा टाइम आ वो जायज़ तरीके दे नाल खोलण दी आग्या दित्ते जावे। बस यही धन्नवाद करदे आं तुहाडा। बैब रख के प्रशासन जां सरकार दीआं हदायतां मुताबक जो भी सानूं हदायतां दित्तियां भी दूरी ते रहना, मूँह जिहड़ा उह ढक के रखना और सैनिटाइजर नूं यूज करना हर वेले, ते इदां सानूं कोशिश करनी चाहीदी कितें ऐसा ना हो जाए जे असीं इहदा हदायतां ते अमल ना करिए ते दुबारा फिर बंद करना पै जाए। तो ये सानूं सारिआं नूं साढ़े फायदे लई आ, ते परमात्मा ये आने वाला समा चंगा लियावे सारिआं लई। ते हुण असीं सानूं दस्सिआ वी असीं चाहुंदे वी 3 दिन हफ्ते च तुसीं 7 तों 11 दिन दुकाना खोलो। अज बड़े दिन बाद 40 दिन बाद दुकान आप ओपन की गाहक भी बहुत वधिया आए अज, ते असीं दूरी बना के रखी गई सारिआं नूं भी किसी नूं खतरा ना होवे। ते अज हलारा भी दुकान से बहुत पिया सी ते उह भी साफ सफाइया कीता आ। तां चलो हुण असीं तां चाहुंदे आ कि वधिया होवे अगे हालात थोड़े जिहे कि सारिआं दा सेहत वधिया होवे ते जल्द तों जल्द अपना ओपन होण सारिआं दुकानां। 40 दिन बाद अज ही शॉप खोली आ इलैक्ट्रीकल दी रिपेयर दा, ते बहुत ही वधिया अज सवेरे गाहक आए आ। तो बाकी रिपेयर का काम तो प्रशासन ने सारे दिन कहा कि तुम कर सकते हैं, खेतीबाड़ी ना संबंधित कोई भी मोटर का तो कर रहे हैं, तो वधिया रहा अज्ज का साडा। हाँ जी, 40 दिन बाद अज्ज दुकाना की सफाई कर आए थे क्योंकि लॉकडाउन खत्म होया, लॉकडाउन चलता है वो सरकार दी हदायतों के मुताबिक दुकाना थोड़े चले समा जो मिले वे हिसाब न असी दुकाना से आए हैं, पर गाहक तो अरे कोई नहीं साफ सफाई करती है। तो जो सरकार दी हदायतें आ सैनिटाइजर मास्क तो अपने ग्लव्स वगैरह असं सारे वरत रहे हैं। तो जो भी गाहक सरकार की जिदा भी सरकार की नीति होगी जो सानू हुक्म होगा असं उस हुक्म की पालना पूरी चंगी तरह करा जी। हाँ जी, मैं अमरजीत कक्कड़ ड्यूटी मजिस्ट्रेट सब डिवीजन बंगा। सरकार ने अज जिहड़ा पहले दिन 7 तों 11 बजे तक की जो सूची जारी की है दुकाना खोलण की, वो असी देख रहे हैं कि सारे लोग है जिहड़ा उन्हां दा वधिया ढंग दे नाल पालना कर रहे हैं। और पहले दिन तो दुकाना की साफ सफाई हो रही है और जितने उन्होंने मैं चैक किया कि सारे लोगों ने अपनी अपनी दुकान के उपर सैनिटाइजर रखा हुआ है। और असी बेनती भी सारे करते हैं कि सरकार की हदायतों का पालन करो और सरकार की पूरी मदद करो
ताकि आप सारे एक टीम के रूप के डट के ये कोरोना वायरस नाम की बीमारी का डट के मुकाबला कर सकें। सरकार वालों जोड़ा कोरोना वायरस की जी है समस्या है मद्देनजर रखते हुए कुछ समय तो जोड़ा है लॉकडाउन किया लाया ये हूँ तकरीबन 40 दिन तो बाद अज लॉकडाउन कुछ छोट दिखती है। इस छोट के करके कुछ जो है लोग घर से निकल रहे हैं पर जो मतलब लोग ज़्यादा मात्रा नहीं आ रहा कुछ मात्रा लोग आ रहे हैं तो इन्हों असी जोड़ा है जो सोशल डिस्टेंसिंग है उन्होंने असी बरकरार रखने इतने पूरा ध्यान रख रहे हैं। साढ़े जो कर्मचारी है वो तो सारे बाजार के पैरल किया गया ताकि जी सोशल डिस्टेंसिंग है वनू ज़्यादा रख जारी रखा जा सके।